हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुपमा चौधरी और इस चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप अक्सर कमेंट करके पूछते हैं कि हमें पहले मॉइस्चराइजर लगाना है या सनस्क्रीन लगाना है, प्राइमर हमें कब लगाना है। तो फ्रेंड्स, आज ये सारे स्टेप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर हम अपनी स्किन केयर के लिए सिर्फ 5 मिनट सुबह या रात को निकाल लेते हैं तो हमेशा हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगी, बहुत ही यूथफुल रहेगी और हमेशा ग्लोइंग रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो जल्दी से फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप जो है हमारा स्किन केयर का, वो होता है हमारा क्लिनजिंग। फेस को हमें साफ करना फेस वॉश से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी स्किन के अकॉर्डिंग हमें अपने फेस वॉश को चूज़ करना है। अगर हमारी स्किन ऑयली है तो हमें फोम वाले फेस वॉश या जो जेल बेस वाले जो फेस वॉश है वो वाले हमें यूज़ करने हैं, और अगर हमारी ड्राई स्किन है तो उसके लिए हमें क्रीम बेस वाले फेस वॉश यूज़ करने हैं। फ्रेंड, सेकेंड स्टेप जो हमारा आता है वो है क्लिनजिंग मिल्क का। क्लिनजिंग मिल्क से हमें अपने फेस को क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस तरीके से क्लिनजिंग मिल्क को अपने फेस पे पूरा लगाएंगे, 1 से 2 मिनट उसकी हल्की हल्की हाथों से मसाज करेंगे और फिर एक गीली कॉटन से उसको साफ कर देंगे। फ्रेंड, सेकेंड स्टेप हमारा टोनर का है। क्लिनजिंग के बाद में हमें टोनर ज़रूर करना है। क्लिनजिंग मिल्क से मुंह साफ करने के बाद में फिर हम टोनर को अप्लाई करेंगे। टोनर हम स्प्रे वाला भी ले सकते हैं और रोज़ वाटर को कॉटन पे डिप करके इस तरीके से भी हम टोनर को अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, थर्ड स्टेप जो है वो हमारा ऑप्शनल है, अगर हमारे पास है तो हमें जरूर यूज करना चाहिए सीरम या फिर एसेंशियल ऑयल या फिर फेशियल ऑयल। और फ्रेंड्स, उसके बाद हमें मॉइस्चराइजर को यूज करना चाहिए। जब हम मॉइस्चराइजर करते हैं तो वो एक क्रीमी फॉर्म में होता है जो हमारी स्किन को ऊपर से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जो मैं आपको एसेंशियल ऑयल बता रही हूँ या सीरम बता रही हूँ वो हमारी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। वो पूरा हमारी स्किन के अंदर जाते हैं और अंदर तक हमारी स्किन को वो रिपेयर करते हैं। तो वो भी अगर हम यूज करना चाहें तो उसको हम जरूर यूज करेंगे, वो थर्ड स्टेप पे होगा। उसके बाद हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे। और फ्रेंड्स, ऑयली स्किन के लिए टीट्री वाले एसेंशियल ऑयल्स और फेशियल ऑयल्स बहुत ही बढ़िया रहते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा स्टेप आएगा वो सनस्क्रीन का आएगा। फ्रेंड्स, हमें हर स्टेप में टाइम देना है, 1 से 2 मिनट हर स्टेप को करने के बाद में रुकना है, उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप को अप्लाई करना है अपने फेस के ऊपर। सारे स्टेप्स करने के बाद में फिर हमें लास्ट में सनस्क्रीन लगाना है ताकि वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करे सन की हार्मफुल रेज से। और इसको सनस्क्रीन की एक पतली सी लेयर हम अपने फेस के ऊपर लगाएंगे जिससे हमारी स्किन सारा दिन प्रोटेक्ट रहेगी। डे टाइम में हमें सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर सनस्क्रीन के बाद अगर हमें मेकअप करना है तो उसके बाद हम अपना मेकअप कर सकते हैं। उसके लिए हम प्राइमर लगाएंगे सबसे पहले और उसके बाद जो हमारे मेकअप के स्टेप्स हैं वो सारे हम करेंगे। फ्रेंड्स, हमें हर स्टेप में टाइम देना है। जो भी हम स्किन केयर प्रोडक्ट लगा रहे हैं कम से कम 1 से 2 मिनट का, और सनस्क्रीन लगाने के बाद प्राइमर में कम से कम हमें 10 से 15 मिनट का टाइम देना है, उसके बाद हमें अपना मेकअप स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में जल्दी से शेयर कर दीजिए और रॉयल स्टाइल चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करिएगा और FB पर मेरे पेज रॉयल स्टाइल को जरूर लाइक करिएगा। तो हम बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। तब तक लव यू ऑल, बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।